सीट शेयरिंग पे चर्चा खत्म हो गई। अब हम अगर चर्चा करना चाहता है कोई तो 2029 की करेंगे या विधानसभा की सीट शेयरिंग पर चर्चा करेंगे। तो क्या करेंगे आप, प्रफुल्ल पटेल का भी पैसा उसमें शामिल है, छगन भुजबल 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला, हसन मुश्रीफ, हाँ और कौन से नाम मैं लेना चाहूंगा बताइए मुझे। आज प्रधानमंत्री ने कहा है किसी रैली में, लगता मेरठ में, कि भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, आज कहा है ना। ये तो एक सबसे बड़ा जोक्स मोदी मारते हैं दर दिन। अब बहुत ही जॉनी लिवर के बाद अगर कोई यहाँ राजू श्रीवास्तव बेचारे नहीं है, लेकिन जॉनी लिवर के बाद ये गुजरात का लिवर है जो हमका हमारा मनोरंजन कर रहा है। भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे, ये मोदी जी बोल रहे रैली में मेरठ के, और उनके अगल बगल में 10 भ्रष्टाचारी बैठे हैं। उनके पार्टी में दर दिन एवरेज 5 भ्रष्टाचारियों का प्रवेश होता है, वो भी ऐसे भ्रष्टाचारी नहीं, नामचिन भ्रष्टाचारी, जैसे नामचिन गुंडे होते हैं ना, वैसे नामचिन भ्रष्टाचारी। आप उनका क्या करोगे, वो तो आपके बगल में बैठेंगे, आपके साथ घूमेंगे फिरेंगे, आपके सरकार में शामिल होंगे, आप उनके ऊपर के उनकी जो क्राइम फाइल है वो क्लोज करेंगे और दुनिया को आप ज्ञान देंगे। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी अगर कोई होगा इस देश में तो भारतीय जनता पार्टी है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड पर अब तक कोई आपका कमेंट नहीं है, आप कौन सा भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं? अगर आप में हिम्मत है तो आपके पार्टी के तरफ से बयान आने दो, आपकी तरफ से बयान आने दो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो घोटाला है वो भ्रष्टाचार है या नहीं, ये दुनिया को बेवकूफ बनाने का धंधा बंद कर दीजिए। देखिए ये जुमला नहीं, जुमले का बाप है, ये कहां से पैसा देंगे? पूरा पैसा तो जमा करके उनके बीजेपी के खाते में चला गया भ्रष्टाचार का, जो जनता को देना था पैसा उनके खाते में चला गया है बीजेपी के, वो क्या जनता को देंगे? वो कुछ नहीं दे सकते जनता को, जनता को सिर्फ गुमराह कर सकते हैं। आता बोला नरेंद्र मोदी हे देशाचे प्रधानमंत्री होते, आता नाहीत। आता फार तर ते निवडणुकीची घोषणा झाल्यावर, निवडणुकीची जेव्हा घोषणा होते राज्यात किंवा देशात, तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री फार तर कार्यवाहक मुख्यमंत्री असतात आणि देशाचे प्रधानमंत्री हे कार्यवाहक प्रधानमंत्री असतात। त्याच्यामुळे त्यांना सरकारी यंत्रणेचा वापर करून प्रचाराला जाता येत नाही, आणि जर ते तसे गेले सरकारी विमान फौज फाटा घेऊन, तर निवडणूक आयोगानं त्या संदर्भातल्या खर्चाचं बिल त्यांना पाठवायला हवं आणि त्या पक्षाच्या खात्यातून, त्या पक्षाकडून ते पैसे वसूल केले पाहिजेत। नरेंद्र मोदी गेल्या काही दिवसापासून, निवडणुका जाहीर झाल्यापासून सरकारी यंत्रणा सरकारी विमानं सरकारी हेलिकॉप्टर घेऊन फिरतायत, घोषणा करतायत। त्यांचा एक एक दौरा हा 25-25 कोटीचा असतो, यंत्रणा आणि सगळी त्यांचे सरकारी लवाजमा पाहिला तर काय, आचारसंहिता फक्त विरोधी पक्षासाठी आहे, काँग्रेससाठी शिवसेनेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी आहे? नोटिसा फक्त आम्हालाच येणार? प्रधानमंत्री ज्या पद्धतीनं सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर करतायत आणि प्रचाराला उतरले सरकारी यंत्रणा घेऊन, हा भ्रष्टाचार नाही? मोदी हे आता